हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने जो है डिफरेंट मेथड्स जो है पोलराइजेशन के पढ़े थे, उसमें ही हम जो है अब नेक्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। और इस मेथड को या इस प्रोसीजर को हम जो है बायर फ्रिंजेंस भी बोलते हैं, बायर फ्रिंजेंस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होती है। फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में हमेशा स्नेल्स लॉ जो है वो ओबे होता है, और रिफ्रैक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सो 1669 में एक डेनिश साइंटिस्ट था, उसने कहा कि कुछ एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स जैसे कैल्साइट वो जो है डबल रिफ्रैक्शन भी शो करते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि सिंगल रिफ्रैक्शन है, डबल रिफ्रैक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, तो उसमें पाया गया कि जब कोई एक ऑर्डिनरी लाइट जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल से पास करती है तो कैल्साइट क्रिस्टल से पास करने के बाद वो दो अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सिंगल रिफ्रैक्टेड रे अगर ग्लास की बात करूँ, ग्लास में जो है वो सिंगल रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन जो कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल में वो स्प्लिट हो जाती है दो पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रेज में। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। और जो क्रिस्टल जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम बोलते हैं डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। तो अब हम जो है डायग्रामेटिकली जो है इस फिनोमिना को शो करेंगे कि हम कैल्साइट क्रिस्टल से पास करेंगे एक ऑर्डिनरी रे को, देखेंगे कैसे जो है दो रिफ्रैक्टेड पोलराइज्ड लाइट जो है हमारे पास ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो सपोज करो आप जो है एक शीट ऑफ पेपर पे एक डॉट जो है वो बना लीजिए, और उस डॉट को जो है कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू जो है ऑब्जर्व कीजिए। कहने का मतलब यह, सपोज कीजिए आपने एक शीट पे डॉट बना लिया और इस डॉट को जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस डॉट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल। तो आपको जो है दो अलग अलग इमेजेस जो हैं इस डॉट की दिखाई देंगी जब आप इसे कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू देखेंगे। अब जो है आप जो है इस क्रिस्टल को, तो बेसिकली आपको दो इमेजेस दिखाई देंगी डॉट की जब आप इसको जो है कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू देखोगे। ठीक है, अब आप क्या करो, अब जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसमें जो दो एंगल हैं वो होते हैं 78 डिग्री के, और जो बाकी दो एंगल होते हैं वो होते हैं 102 डिग्री के। अब आप जो इस कैल्साइट क्रिस्टल को थोड़ा सा रोटेट करना शुरू कर दो, जैसे ये रोटेट करोगे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एक इमेज है इन दोनों में से वो तो स्टेशनरी रहेगी, वो तो हिलेगी नहीं, लेकिन जिनमें से दूसरी इमेज है वो रोटेट करने लग जाएगी अराउंड फर्स्ट। एक इमेज जो है वो रोटेट करने लग जाएगी अराउंड दिस फर्स्ट। जो इमेज स्टेशनरी रही उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इमेज, ओ से डिनोट करते हैं। और जो इमेज जो है कैल्साइट क्रिस्टल के रोटेट करने लग गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिए जो ऑर्डिनरी इमेज है या ऑर्डिनरी रे है, बेसिकली आपके पास दो तरह की रिफ्रैक्टेड रे थी, आपने पेपर पे डॉट तो एक ही बनाया था लेकिन आपको दो दिख रही थी, फिर आपने रोटेट किया तो एक तो हिली नहीं और दूसरी हिलने लग गई। तो जो स्टेशनरी रही इमेज उसको हम ऑर्डिनरी इमेज बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूसेस दिस ऑर्डिनरी इमेज, द रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूसेस दिस ऑर्डिनरी इमेज, वो जो है ऑर्डिनरी रे क्यों बोलता हूँ, बिकॉज इट ओबेज ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इट ओबेज ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जबकि ये जो है जो द रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूसेस दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज, इट डज नॉट ओबेज ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। तो आपके पास दो तरह के रेज प्रोड्यूस होती हैं,
जब आप किसी ऑर्डिनरी लाइट को क्रिस्टल से, कैल्साइट क्रिस्टल से पास करोगे, आपके पास दो तरह की रेज कौन सी ऑब्जर्व होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे जो है वो फॉलो करती है ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है इट डज नॉट फॉलो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ूंगा। सपोज आपका कैल्साइट क्रिस्टल है कुछ इस तरह का, सपोज ये दूसरे एंगल है 109 डिग्री, दिस इज 71 डिग्री, दिस इज 109 डिग्री, दिस इज 71 डिग्री, ठीक है। सपोज कीजिए एक नैरो बीम ऑफ लाइट थी पी क्यू, पी क्यू वो आपकी इंसिडेंट हुई किसी एंगल आई पे। सपोज कीजिए आपका ये जो है नॉर्मल है, तो इंसिडेंट हुई वो एंगल आई पे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, अब ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट में आपके पास दोनों कंपोनेंट्स होंगे। कौन से कंपोनेंट होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होता है और पैरेलल कंपोनेंट भी होता है। जैसा मैंने बताया कि कैल्साइट क्रिस्टल में पास करने के बाद क्या है, वो दो रेज में, दो रिफ्रैक्टेड रेज में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इट स्प्लिट्स इनटू टू रेज, कौन सी रेज, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। और हमारे पास दो इमेज दिखाई देंगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास दो में ये स्प्लिट होगी, एक तो बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी, एक तो सीधी पास करेगी और एक थोड़ी सी बैंड हो जाएगी किसी एंगल पे, ठीक है। ये सपोज कीजिए दिस इज ओ एस एंड दिस इज ओ आर, जो ये और जो जो ये क्यू आर है, सपोज कीजिए ये क्यू आर जो है इट मेक्स एन एंगल आर वन, और जो क्यू एस है इट मेक्स एन एंगल आर टू, ठीक है। तो जब ये दोनों रेज जो है क्रिस्टल से बाहर निकलेंगी, ठीक है, व्हेन दे इमर्ज आउट ऑफ द क्रिस्टल, ये दोनों रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देंगी और इंसिडेंट रे के भी पैरेलल दिखाई देंगी। ये जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी और इंसिडेंट रे के भी पैरेलल आएंगी। इसमें से एक जो रे है वो उसमें जो आपके पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा, क्योंकि पोलराइज होंगी ना दोनों, और इस एक दूसरी वाली में आपके पास सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब क्रिस्टल से पास की जो ओरिजिनल रे थी उसमें डबल रिफ्रैक्शन हुई, डबल रिफ्रैक्शन होने के बाद जो ऑर्डिनरी रे है वो हमेशा प्लेन ऑफ इंसिडेंस पे लाई करती है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करती है, ठीक है। ये आपके पास एक आपके पास आ गई ऑर्डिनरी रे और एक आ गई आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कौन सी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये वाली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इसमें है क्यू एस, और ऑर्डिनरी रे कौन सी आई आपके पास क्यू आर। क्यों आई, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि जो ऑर्डिनरी रे है जैसे क्यू आर वो जो है नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कर रही थी, वो यहाँ से बैंड भी हुई और वो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई वो दोबारा से बैंड हुई। लेकिन जो ये दूसरी लाइट और दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट थी उसमें उस तरह की बैंडिंग हुई नहीं जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एक्सपेक्ट करता है, जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि साइन आई बाई साइन आर वाला फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए इक्वल टू म्यू वाला, ये वाली क्यू एस वाली रे जो है वो उसको फॉलो ही नहीं कर रही थी। तो इसलिए आपके पास एक ऑर्डिनरी रे आई जो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कर रही थी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आई जो सीधी निकल गई बट पोलराइज हो गई। तो ओके, अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, तो अगर मैं प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, दैट इज
इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी रे निकालूं, इट विल बी अगेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, अब आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे, और ये इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है डेट इज गिवन बाय साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। तो अगर मैं इस फिगर पे लगाऊं ये वाला फॉर्मूला, तो ऑर्डिनरी रे के लिए म्यू नॉट विल बी इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर वन, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए लगाऊं तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर टू। ठीक है, अब कैल्साइट क्रिस्टल में हमने ऑब्जर्व किया जो आपका एंगल आर टू है, जो एंगल आर टू है वो इट इज़ ग्रेटर देन एंगल आर वन। कैल्साइट क्रिस्टल में आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। जब आर टू आर वन से बड़ा होगा, इसका मतलब म्यू नॉट जो है वो म्यू ई से बड़ा होगा, विच इम्प्लाइज म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर डैट, अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑर्डिनरी का ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप ये कह सकते हो रिफ्रैक्टिव म्यू नॉट इज म्यू ई ग्रेटर, इसका मतलब इट इज क्लियर डैट द स्पीड ऑफ ओ रे, स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी रे इज लेस देन, इसका मतलब स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी रे इज लेस देन द स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे की स्पीड जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ई रे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, व्हेन म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसका मतलब किसी भी क्रिस्टल में मेरी ई रे जो है वो फास्टर ट्रेवल करेगी ओ रे से। इट इज फर्दर फाउंड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ओ रे, जो ऑर्डिनरी रे है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऑर्डिनरी रे के लिए वो सेम होता है। ठीक है, इनसाइड द क्रिस्टल, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए वो जो है डिफरेंट होता है। दूसरी बात, ऑर्डिनरी रे जो है वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है सारी डायरेक्शंस में इनसाइड द क्रिस्टल, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये जो है ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में डिफरेंसेस थे, बाकी जो आपकी डिटेल्स है वो आपको बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, सो क्रिस्टल्स जो हम बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं क्रिस्टल्स को। फर्स्ट इज यूनी एक्शियल क्रिस्टल एंड सेकेंड इज बाई एक्शियल क्रिस्टल, यूनी एक्शियल एंड बाई एक्शियल क्रिस्टल।